Hi guys, what's up and welcome back to this YouTube channel. You are watching Fatehi's reaction and this is me Zainab Fatehi. Today I'm gonna be reacting on to Harsh Beniwal's video and the video ka title hai, as you guys already know by reading the title, Dumbbell, and this is the animal trailer spoof. Okay, वैसे तो trailer के बाद obviously आया होगा. Let's just check ये आया कब था. And I don't have any idea. 6 दिन पहले आया था. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एनिमल के रिलीज़ होने के बाद आया है. सब लोगों के अलग अलग रिव्यूज़ हैं एनिमल के बारे में. सम फेमिनिस्ट वुमन दे आर सेइंग कि नहीं 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 ठीक है, अच्छी नहीं है, इसमें औरतों को जो है बिल्कुल ही इस तरह से दिखाया है जैसे कि वो कोई यू नो दे डोंट हैव एनी वैल्यू. बाकी कुछ लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं. सम पीपल आर सेइंग बहुत न्यूडिटी है, अडल्ट्री है एंड स्टफ लाइक दैट. और कुछ कह रहे हैं कि बकवास स्टोरी है, कुछ कह रहे हैं कि ओके माइंड वाली स्टोरी है. सो सबका अलग अलग रिव्यू है इसको लेके. मैंने तो ऑब्वियसली नहीं देखी तो मुझे मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है इस मूवी से रिलेटेड. पर मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी सो आई थॉट आजकल इसका जो है एक हाइप भी चल रही है ऑल ओवर इंडिया एंड इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील्स दिखती रहती हैं, भाभी 1 भाभी 2 स्टफ लाइक दैट. सो इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं. आई एम श्योर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा. सो ये वीडियो देखते हैं. दिस वीडियो इज़ अबाउट 5 मिनट और समथिंग. फिर उसके बाद वी आर गोना बी डिस्कसिंग अ लिटिल अबाउट इट. एंड या अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज zainab_fatehi. नाउ वी गाइस आर नॉट गोना बी वेस्टिंग आवर अमेजिंग टाइम. वी गाइस आर गोना बी डायरेक्टली डाइविंग इनटू द वीडियो. नाउ लेट्स गेट इनटू इट. क्या मतलब लेट्स प्ले निकल एनिमल प्रेजेंस. ओके बेटा, लेट्स प्ले अ गेम. आज मैं क्लाइंट और तू ट्रेनर. याद है जब तेरी बंदी तेरे को छोड़ के चली गई थी, कहती कि तेरे साथ सेक्स करती हूं तो ऐसा लगता है टेलीटबी के साथ कर रही हूं. तू बहुत रो रहा था बलबीर, कहता था गुरुजी मेरी बॉडी बनवा दो, मेरे अंदर का मर्द जाग चुका है. आज उसी दिन को रिप्ले करता है. कुछ नहीं करना तुझको, तुझको बस पूछना है, लेग डे स्किप तो नहीं करेगा और मैं तेरी एक्टिंग करूंगा. ओके, शिद्दत से करियो, बस एक ही मौका है मेरे पास. व्हाट इज दिस एक्शन बेटा. लेग डे स्किप तो नहीं करेगा ना, लेग डे स्किप तो नहीं करेगा ना, लेग डे स्किप. अरे नहीं करूंगा स्किप, बॉडी बनवा मेरी. You are his superhero. He really adores you. पर ये बलबीर मेरी फोटो लेके वॉशरूम में क्यों गया है? बेटा, I bought the injections. अब तेरी बॉडी जल्दी बना दूंगा. Nice steroids, गुरुजी. पर मैं नेचुरल करना चाहता हूँ. इन सब से टट्टों में पानी भर जाता है. ठीक है बेटा, नेचुरल बना दूंगा. चीते बनाया. यार. गुरुजी नहीं. This is good. ऑलरेडी 4 सुइयां लगा चुके हैं, मर जाएगा वो. टाइम बताएगा कि तू अपनी चर्बी कटवा पाता है या वापस मेरे पास आता है. तब तक ले एक मोमोस का. एक मोमोस से कहाँ कुछ होता है. नहीं अबे लेना एक मोमोस का. नहीं अबे लेना. यार मैंने कहा था ना ज्योति, एस्थेटिक हमारे गुरुजी. अबे ज्योति कौन है दल्ले, मैं तो निशा हूँ. शिट. बलबीर के लिए तुम्हारा क्या जोग नहीं रोक है. Really wish you would have eaten hummus that day. सबटाइटल कहाँ है? बलबीर के लिए तुम्हारा क्या जोग नहीं रोक है. Really wish you would have eaten hummus that day. मैं वापस आ गया ना गुरुजी, अब हम साथ मिलकर बच्चों के नाम पर व्यूज लेंगे.
जिसने भी मैदे से लिपटा हुआ मोमो मेरे बच्चे के मुंह में डाला, बलबीर सिंह के मुंह में डाला, मैं आप सबसे वादा करता हूँ उसके हाथों से सबके डंबल रीरैक करवाऊंगा। ओए, ये बेंच हम यूज कर रहे हैं। गाना लेग प्रेस में वेट बढ़ाने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। हर सेट में 100 किलो बढ़ाऊंगा, हर बार परमिशन नहीं ले सकता। दो बार बुला। You're fighting to take my ghost. Do you even realize that? मैं गोश्त के लिए लड़ता नहीं हूँ, उसे खा जाता हूँ। आज के बाद जिम में ये ग्लव्स पहन के आया ना तो तुझे जिंदा जला दूंगा। मर्द बन, सॉफ्टी नहीं। डब्बे वाली बॉडी। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई बहुत अच्छी है, लाइक करो। हमने इतने सालों बाद एक स्पूफ बनाया है किसी के ट्रेलर का, तो बहुत ही नर्वस है और बहुत ही एक्साइटमेंट भी थी। तो आप मुझे जरूर बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों शेयर करो, अपने फैमिली का शेयर करो और वीडियो के मजे लो। और हमें बताओ कि हम ऐसे स्पूफ और बनाए या नहीं बनाए, ताकि हम आगे उसी वीडियोस पे काम कर सके। एंड गाइस, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ मुझे फॉलो करो, लाइक करो, यहाँ अपने अपडेट्स देता रहता हूँ, कौन सी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके बारे में बताता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ आप मेरे को फॉलो कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय, लव यू। So guys, after watching this video, this is spoof actually. I think Harsh Baniwal ko banane chahiye. I think amazing creativity and amazing ek मतलब एक अलग लेवल का यू नो ह्यूमर है, एक अलग लेवल का, एक बहुत ही आई थिंक मैं कहूँगी एक्स्ट्रा लेवल की क्रिएटिविटी है। और बहुत मुझे अच्छा लगा यार, इट वाज सो फनी, इट वाज सो अमेजिंग। और वो जो था एंड पे हाउ टू टॉक प्रॉपरली, आई थिंक वो देनी चाहिए रश्मिका को, द वे शी वाज यू नो डिलीवरिंग हर डायलॉग्स, वो बहुत ही अजीब थे। पर यार स्टोरी लाइन को बदल के रख दिया, पर स्टिल इट्स वेरी गुड यार, इट्स वेरी गुड, इट्स अमेजिंग। मैं पूरा टाइम हंसी भी एंड आई वाज लिटरली फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि इनकी जो क्रिएटिविटी लेवल है वो कितना अच्छा है। आई जस्ट मैं इसको सारे पॉइंट्स देना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि जो ज़्यादा उससे नाराज़ होकर आए थिएटर से, वो हर्ष बनीवाल की वीडियो देखें, उनको कहीं ना कहीं दिल में करार आएगा। And I just love this, yaar, mind-blowing creativity. He just nailed it, killed it, yaar, bahut achha tha, bahut achha. Aur I just love this. Aur Rashmika ka jo part tha na, wo to yaar, I just love this. Pura bahut achha tha, spoof totally, it was amazing. Anyways, आप लोगों को पता है मैंने थ्रू आउट इसको एंजॉय किया। एंड एट द वेरी सेम टाइम जो हर्ष बनीवाल का लुक था, जो अजीब से उजड़े से बाल थे, वो भी बड़े परफेक्ट लग रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे हर्ष बनीवाल की और भी वीडियोस पे रिएक्शन करना चाहिए, सो डू लेट मी नो। एंड आई एम गोना बी साइनिंग ऑफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज zainab_fatahi। आई एम गोना बी साइनिंग ऑफ विद द वेरी वेरी एंड वेरी पॉजिटिव मैसेज व्हिच इज, डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड पीस, लव एंड पॉजिटिविटी। लव यू ऑल, बाय।